ओम शांति। बाबा आता हमें आप समान बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहते अभी संगम युग पर मैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों को ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देता। तुम्हारा है यह नया जन्म, इस जन्म में तुम बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनकर, बाप के साथी सहयोगी बनकर, बाप के साथ अपने घर निराकारी दुनिया जाना। तो बाबा इसीलिए रोज हम बच्चों को स्मृति कराते, अशरीरी बनो, खुद को आत्मा अनुभव करो, सदा यह स्मृति रखो कि मैं परम धाम से अवतरित आत्मा इस धरा पर बाबा का श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त अवतरित हुई हूं। कोई भी कार्य करना निमित्त ट्रस्टी होकर करना, तो कोई भी काम अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा का दिया हुआ यह जन्म है। तो जो जिम्मेवारी बाबा को हमने सब दे दी, तो बाबा को जो कराना है करा लेगा। बस मुझे स्मृति रखना है कि बाबा मेरा साथी है, बाबा करावनहार है, मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। तो आज दिनांक 23 जुलाई सुबह सुबह अमृत बेला, शुद्ध पवित्र पावन समय, अपनी स्थिति को स्थित करेंगे। निराकारी सो साकारी, सो निराकारी स्वरूप में। तो आज स्वमान लेंगे, मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं, मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि अमृत बेला पावरफुल हो, इसके लिए हमें दिन भर की दिनचर्या पर अटेंशन देना होता है। दिन भर व्यर्थ से मुक्त रहना, दिन भर खुद को आत्मा अनुभव करने के लिए बार बार इस देह में आना और इस देह से न्यारे होना। बाबा ने हमें दिया श्रेष्ठ कर्तव्य, तो श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए जब भी समय मिले मनसा सकास जरूर देना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख, सभी को दुख अशांति भय से मुक्त कराने का अभ्यास करना है, अर्थात मनसा सकास देनी है। तो आज अमृत बेला में हम भाई बहन स्वमान लेंगे, मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। जब हम इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हैं तो यह स्वमान हमारी स्मृति में पक्का हो जाता है, और दिन भर जब भी समय मिले इस स्वमान का रिवीजन कर इसी स्थिति में सेट होना, बाबा को याद करना, बाबा करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म करना, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, हम कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। तो अनुभव करें, मैं तो हूं ही अशरीरी बिंदु आत्मा, इस धरती की मैं हूं ही नहीं, मेरा यह शरीर भी सेवा अर्थ इस धरा पर विद्यमान है। मैं सदा शिव के पास रहने वाली
बिंदु आत्मा हूं। शिव पिता की आज्ञा अनुसार मैं नीचे साकार लोक में आती हूं और सेवा का पार्ट बजाकर वापिस अपने घर परमधाम चली जाती हूं। तो महसूस करें स्वयं को बिंदु स्वरूप आत्मा के रूप में निराकारी दुनिया परमधाम में। अपने पिता परमात्मा के सम्मुख अब पिता की आज्ञा अनुसार नीचे स्थूल वतन की ओर प्रस्थान करें। नीचे स्थूल वतन पर जो पांच तत्वों का शरीर है वह मुझे सेवा अर्थ प्राप्त हुआ है। इस पांच तत्वों के शरीर की भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। श्रेष्ठ कार्य को करने के पश्चात पुनः अशरीरी देह से न्यारे होकर अपने घर परम धाम में लौट जाएं। अनुभव करें मैं अवतरित आत्मा हूं, मुझ आत्मा ने 84 बार 5 तत्वों का शरीर धारण किया है। सतयुग के 8 जन्मों में प्रकृति के 5 तत्व संपूर्ण सतो प्रधान होने के कारण मुझ अवतरित आत्मा को शरीर भी संपूर्ण पवित्र व सतो प्रधान मिला। धीरे धीरे कलाएं घटने की स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार त्रेता युग के 12 जन्मों में मैंने चौदह कला संपन्न प्रकृति का निर्मित शरीर धारण किया। और राजाई का पार्ट बजाया। तो महसूस करें मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं।
तत्पश्चात माया रावण की प्रवेशता के कारण मुझ आत्मा के रजो स्टेज के संस्कार उत्पन्न हुए। और मैं आत्मा सतोगुणी विकारों के अधीन होकर स्वर्ग का राज्य भाग्य गवा बैठी। और नरकवासी बन पड़ी। मेरी देह से न्यारी अवस्था धीरे धीरे लुप्त होती रही। मुझमें देह का भान बढ़ता रहा। मैं पवित्र आत्मा सर्वप्रथम अपनी पवित्रता को खोकर काम विकार के वशीभूत हुई। तो तीव्र गति से मेरा पतन आरंभ हो गया। काम विकार के साथ साथ इसके अन्य साथी विकार क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भी मुझमें समावेश होता रहा। और मैं आत्मा पूर्णतया इन रावण रूपी विकारों के अधीन हो गई, अर्थात परवश हो गई। आज कलयुग के इस अंतिम जन्म में मैं आत्मा अपने सभी देवीय गुणों को खोकर सोलह कला संपूर्ण से एकदम कलाहीन बन पड़ी। और विषय विकारों के वशीभूत होकर अत्यंत तमोप्रधान अवस्था में पहुंचकर हर पल हर घड़ी अपने उद्धारकर्ता अपने मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता पतित से पावन बनाने वाले पिता परमात्मा को पुकार रही थी। मेरी करुण पुकार सुनकर मेरे अविनाशी पिता शिव ने मुझे अपना परिचय दिया। और अनमोल 84वां ब्राह्मण जन्म देकर अपना बच्चा बनाया। और मुझे गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाया।
जिसके लिए ही बाबा ने श्रीमत दी। इस देह का आधार लेकर कर्म करो और कर्म करके फिर अपने घर परमधाम चले जाओ। पुनः अवतार लो, कर्म करो और चले जाओ। तो अनुभव करें मैं अवतार लेने वाली, निराकारी आत्मा हूं। मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। अब मैं सदा सत्य शिव पिता गीता ज्ञान दाता द्वारा सच्चा गीता ज्ञान सुनकर स्वयं में आत्मसात कर रही हूं। और पुनः अपनी सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त कर स्वर्ग के राज्य भाग्य की अधिकारी बन रही हूं। इसीलिए पिता परमात्मा ने इशारा दिया, बाप समान बनने के लिए, अपने घर परमधाम जाने के लिए और नई दुनिया सतयुग में फिर आने के लिए खुद को आत्मा अनुभव करो। मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। मुझ निराकार पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलो। अपने सारे बोझ सारी जिम्मेवारी मुझ पिता को अर्पण कर दो। हल्के फरिश्ते बनकर सूक्ष्म वतन का चक्कर लगाओ। निराकारी आत्मा अनुभव कर, परम धाम की सैर करो। जब भी कर्म करना है तो इस देह में अवतरित होकर अपनी कर्मचारी कर्मेंद्रियों द्वारा सूक्ष्म शक्तियों द्वारा कर्म कराओ और फिर अपने घर परमधाम चले जाओ। तो अनुभव करें मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। मैं अवतार लेने वाली निराकारी आत्मा हूं। अच्छा, 24 जुलाई को नए स्वमान के साथ अमृत बेला में सुबह 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।